पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी किस्टन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, बल्कि फैसलाबाद पहुंच चुके हैं चैंपियंस कप देखने के लिए। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस चैंपियंस कप में चार प्लेयर्स पे खासकर उनकी नजर रहेगी, वो उनकी रडार पे होंगे, ताकि पाकिस्तान की जो फ्यूचर में व्हाइट बॉल की T20 और ODI टीम डेवलप करनी है उस कॉन्टेक्स्ट में प्लेयर्स को जज कर सके। तो ये जो चार प्लेयर्स उनके रडार में होंगे, इनमें जो पहला नाम है वो फास्ट बॉलिंग में है और ये मोहम्मद अली हैं। आप जानते हैं कि मोहम्मद अली ने जैसन गिलेस्पी के साथ काफी टाइम गुजारा है, पहले पाकिस्तान शाहीन के साथ, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ। और जैसन गिलेस्पी ने मोहम्मद अली के बारे में गैरी किस्टन को खासे पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं, और इस पॉजिटिव फीडबैक की जो वजह है वो डेफिनेटली वही है कि हमने देखा है कि पहले जब PSL हो रही थी तो उनकी पेस खासी अच्छी है, बड़े छोटे से रनअप के साथ वो 140 प्लस बॉल करते हैं, बॉल उनकी स्किड होती है। और व्हाइट बॉल की जो कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कुछ स्लो डिलीवरीज करनी होती हैं, कुछ टेनिस बॉल बाउंसर्स करने होते हैं, कुछ बड़े इफेक्टिव यॉर्कर्स करने होते हैं डेथ ओवर्स में, तो ये सारे टूल्स मोहम्मद अली के पास हैं, ये हमने PSL में देख चुके हैं। तो यही वजह है कि मोहम्मद रिजवान भी मोहम्मद अली को बहुत अच्छा रेट करते हैं, जैसन गिलेस्पी ने भी बड़ा अच्छा रेट किया है, और शायद यही वजह है कि गैरी केस्टन उनको देखना चाहते हैं कि इस व्हाइट बॉल के टूर्नामेंट में कि वो अपनी स्किल्स का मुजाहरा करें, ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम में उनको देखा जाए कि वो कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरा प्लेयर, बल्कि दूसरा और तीसरा, दो प्लेयर जो है वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। अब देखिए, पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में बैटिंग में जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है वो हमारा मिडिल ऑर्डर है। T20s में हमने आसिफ अली को चांस दिया, हमने खुशदिल शाह को चांस दिया, हैदर अली को चांस दिया, ODIs में हमने इफ्तखार को चांस दिया, इफ्तखार को हमने T20 में भी चांस दिया, तो हमने बहुत सारे प्लेयर डिस्ट्रॉय किए हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर और लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर। लेकिन ना तो कोई हमारा कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एस्टैब्लिश हो सका है, और ना ही कोई प्रॉपर हमारा फिनिशर एस्टैब्लिश हो सका है। तो फिनिशर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बेसिकली तो ये दोनों चीजें कुछ हद तक सेम ही हैं, क्योंकि ODIs में जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वही फिनिशर होते हैं, और T20 में भी ऑलमोस्ट उनके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिनिश करने की। अलबत्ता ये होता है कि हम लोग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से थोड़ी लंबी इनिंग एक्सपेक्ट करते हैं, और फिनिशर का रोल हम ये कहते हैं कि ये 25-30 रन भी कर दे, बट क्रुशियल सिचुएशन के अंदर जहां पे 10-12 का रिक्वायर रेट हो, तो वहां पे ये 10-15-20 गेंदों पर 30-35-40 रन करने वाला बैट्समैन हो, तो उसको हम फिनिशर बोल लेते हैं, अदरवाइज रोल तकरीबन सेम है। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान के पास डेवलप नहीं हो सके। अब दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों पे खासकर नजर है गैरी किस्टन की, और इनमें जो एक है वो तैयब ताहिर है। तैयब ताहिर उस टाइप के प्लेयर हैं कि जो प्रॉपर, जिसको हम जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कहते हैं, यानी स्पिनर्स बड़े अच्छे खेलते हैं वो, ठीक ठाक क्वालिटी स्पिनर्स को उन्होंने छक्के मारते हैं, मैंने उन्हें देखा है, बड़ी सी टेक्निक के साथ वो खेलते हैं। इसके अलावा उनका जो बैटिंग स्टाइल है कि आएंगे तो पहले आके दूसरे गियर से स्टार्ट करेंगे, 15-20 गेंदों के बाद ODIs में, और 5-10 गेंदों के बाद T20 में वो तीसरे गियर में चले जाएंगे, फिर उसके बाद मजीद 5-10 गेंदों के बाद वो चौथे गियर में चले जाएंगे। तो ODIs में स्टार्ट करेंगे 80-90 के स्ट्राइक रेट से और फिनिश करेंगे 200 के स्ट्राइक रेट पर। T20 में स्टार्ट करेंगे 120 के स्ट्राइक रेट पर, फिनिश कर सकते हैं 200 के स्ट्राइक रेट पे। तो ये जो एबिलिटी है ये एक अच्छे प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में होनी चाहिए, जो कि उनमें है। तो अभी हमने पाकिस्तान कप के चैंपियंस कप उनके पहले मैच में भी देखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सेलरेट किया, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। जो दूसरे बैट्समैन है वो मोहम्मद हारिस हैं। मोहम्मद हारिस का जो रोल है वो उस लिहाज से है, वो जो मैंने किया था ना कि आते ही चौथे गेयर से अगर आपने बैटिंग स्टार्ट करनी है, आते ही आपने 15 गेंदों पर 30-35 रन करने हैं, तो उसके लिए फिर मोहम्मद हारिस ज्यादा सूटेबल है। और मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान फ्यूचर कैप्टन के लिए भी डेवलप कर रहे हैं, अगर आपको अंदाजा हो, पाकिस्तान शाहीन के साथ उनको भेजा गया, और बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप उनको टॉप ऑर्डर में खिला लें, मिडिल में खिला लें, लोअर में खिला लें, वो हर जगह पे अपने आप को समहाउ एडजस्ट कर लेते हैं, और शॉट्स की रेंज बहुत ज्यादा है, स्कूप बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, रिवर्स स्वीप खेल लेते हैं, और 360 जितनी भी शॉट्स हैं वो उनके पास है। शॉट सिलेक्शन अलबत्ता उनका इशू है, थोड़ी सी शॉर्ट सिलेक्शन अगर वो अपनी इंप्रूव कर लेते हैं तो बड़े हेल्दी बैट्समैन है। तो T20 के कॉन्टेक्स्ट में खासकर मोहम्मद हारिस, और ओडिया के कॉन्टेक्स्ट में खासकर तैयब ताहिर को मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान टीम में एडजस्ट करने के लिए गैरी किस्टन की नजर है, और वो उनको ऑब्जर्व करेंगे। चौथा प्लेयर जो है वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान के पास पिछले कुछ अरसे में टेस्ट क्रिकेट में यासर शाह के बाद और ओवरऑल सईद अजमल के बाद कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं आया। इब्रार अब आए हैं, इब्रार के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हमने सुनी है, बट अभी तक वो उस लिहाज से अपने आप को व्हाइट बॉल के अंदर ना तो उनको उस तरीके से चांसेस मिले हैं, ना ही प्रूव कर सके हैं। तो
तो इब्रार पर भी अब गैरी केस्टन की खास नजर होगी कि इब्रार इन मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इब्रार अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको व्हाइट बॉल में लिया जा सकता है। शादाब और उसामा अब समहाउ एक्सपायर पैकेज हो चुके हैं, वो लगता नहीं है कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल के स्पिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आखिरी उम्मीद इब्रार पे बची है, तो इब्रार भी इस टूर्नामेंट में गैरी केस्टन के रडार पे होंगे।